बैठक हुई है, बता दें देर रात तक ये बैठक चली है और करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ, चर्चा हुई, नए मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा लगातार जारी है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और इसी बीच बड़ी बैठक हुई है, देर रात ये बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें दिग्गज शामिल हुए और नामों पर मंथन हुआ है। तो लगातार 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, फैसला लेने में समय लग रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी, ये हम जिम्मेदारी कह सकते हैं, जिम्मेदारी कहें या बड़ा चैलेंजिंग इसे कह सकते हैं, कितना आसान नहीं हो रहा बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाना, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और कई सारी उम्मीदें भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री वो भी उनके उनके नाम पर भी लगातार मंथन हो रहा है और जो पहले भी रह चुके हैं उनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला बीजेपी लेती है, पर मंथन लगातार कर रही है और हमेशा से ही जो है अपने फैसलों को लेकर बीजेपी चौंकाती है और ऐसा ही शायद इस बार भी कुछ होने वाला है। नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश रायपुर से, वासु चौरे भोपाल से, अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, और कई सारे नाम चल रहे हैं, क्या लगता है कब तक फैसला आ सकता है? स्थान हो, और इसके बाद अब बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे को सामने लाए चुनाव लड़ा था। और खासतौर पर अगर आप मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी पॉपुलैरिटी जनता में किसी से छुपी नहीं है, बहुत पॉपुलर वो चेहरा है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो महाकौशल से आते हैं और ओबीसी एक चेहरा है, वो भी कहीं ना कहीं दावेदार है। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें इस पूरे चुनाव अभियान की कमान पार्टी ने दी थी और दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। मालवा से कैलाश विजयवर्गीय का नाम जो है वो निकलकर सामने आता है। वीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कारण मध्यप्रदेश में 2018 के बाद 2020 में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये नाम जो है ये मध्यप्रदेश में सबसे बड़े चेहरे इस समय हैं और इनके नामों को लेकर लगातार जो है वो चर्चाओं का सिलसिला गर्म है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो मध्यप्रदेश का सीएम हो सकता है। इसके अलावा कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, तो इसको लेकर भी अब जो नए सिरे से कयासों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इस सबके बीच दिल्ली से लेकर भोपाल तक नेताओं की जो दौड़ है वो भी जारी है और बैठकों का सिलसिला भी जारी है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि लोकसभा का चुनाव सामने है, ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाए जिससे ना सिर्फ मध्यप्रदेश में तमाम जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हो सके, बल्कि लोकसभा में भी उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा बीजेपी को मिल सके और बीते चुनावों के हिसाब से ही वो आने वाले चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम मध्यप्रदेश में करे। इसके अलावा अगर एक महत्वपूर्ण फैक्टर को देखा जाए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, तो मध्यप्रदेश में बहुत सारी सियासी समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, ST SC OBC बाहुल्य वाला ये पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र है, और इन तमाम वर्गों को लेकर सियासत भी जमकर हुई और इन वर्गों से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से उठते रहे। तो इन सभी समीकरणों पर जो व्यक्ति सटीक बैठेगा, विधायकों की राय में जो एक चेहरा जो बन सकेगा और आला कमान की जो पसंद होगा वही व्यक्ति मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता इंतजार करना होगा, इस पर जल्द ही फैसला जो है वो हो जाएगा। जी ऋतु, ठीक। वासु, लगातार बने रहिए, अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं और भाजपा आलाकमान के लिए चुनौती कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। हम क्या माने यहाँ पर, चुनौती तो बड़ी है पर क्या जिस तरह से हमेशा बीजेपी